हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक। गाइस, आप देख सकते हो ये लुक मैंने क्रिएट किया स्पेशली फॉर वैलेंटाइंस डे। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक जरूर करेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए गाइस तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब बटन में छोटा सा बेल बटन हो उसको हिट कर दीजिए ताकि आगे से कोई भी डालू आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके बताइएगा कि मेकअप लुक आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो प्लीज़ गाइस चेकआउट जरूर करिएगा। एंड आज मैं फर्स्ट टाइम रिंग लाइट के सामने बना रही हूँ। शायद आप लोगों ने एक दो वीडियो भी देख लिया होगा रिंग लाइट के सामने वाला, क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारा वीडियो बनाती हूँ ना। बट मैंने फर्स्ट टाइम ये मेकअप लुक क्रिएट किया स्पेशली फॉर रिंग लाइट के सामने। मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो का क्वालिटी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड ये मेरा न्यू वॉलपेपर। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं अप्लाई करेंगे टोनर। टोनर के लिए मैंने यहाँ पर लिया हिमालया का टोनर। ये मेरा न्यू है, इसको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट टोनर रोज़ वाटर ज़रूर से अप्लाई करें गाइस। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे सीरम, क्योंकि विंटर सीज़न है तो विंटर में सीरम अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मुंबई में ठंड नहीं, बाकी बहुत जगह तो बहुत ठंड है। तो मैं सबसे पहले अप्लाई करूँगी सीरम। सीरम के लिए मैंने यहाँ लिया है NYBA का सीरम। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितना ज़्यादा ग्लोई हो गया, तो सीरम ज़रूर अप्लाई करें गाइस। अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से परचेज़ कर लो, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसके ऊपर मैंने फुल रिव्यू भी किया है। उसके बाद अप्लाई करेंगे लिप बाम। लिप बाम तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी लिप्स इतना ड्राई हो जाता है, स्पेशली मेरा तो बहुत ज़्यादा, मेरा तो ऑल सीज़न ड्राई ही रहता है। इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ NYBA का प्राइमर। इसको हम लोग अपने मेन जो पॉइंट्स होते हैं ना, टी जोन एरिया पे जहाँ हम लोग का फाउंडेशन ये क्या बोलते हैं केके हो जाता है, पैची हो जाता है, उस जगह पर अप्लाई करेंगे ज़्यादातर। तो मैंने अप्लाई कर लिया, देख सकते हैं। इसको ना क्रीम की तरह नहीं अप्लाई करना है, बस डैब डैब करते हुए। उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ मैं फाउंडेशन। फाउंडेशन ऑप्शनल है गाइस, अगर आप फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो बीबी क्रीम सीसी क्रीम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन क्योंकि मैंने बीबी सीसी क्रीम के साथ आप लोगों के साथ बहुत सारा मेकअप शेयर किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। मुझे यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करना था, बट मैं पहले फाउंडेशन अप्लाई कर ली, इसके लिए मैं भूल गई, क्योंकि अभी आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल एरिया में थोड़ा सा ग्रे ग्रे टाइप का दिख रहा है, वो ना हाइड हो जाता अगर मैं ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर दी। तो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पर लिया NYBA का कंसीलर। ये बहुत मीडियम कवरेज देता है एंड ये मेरे स्किन टोन से एकदम मैचिंग है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा लाइट शेड लेना चाहिए। मैं बहुत जल्द ये स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर ही लूँगी, लेकिन उसमें लाइट शेड लूँगी। ये एकदम मेरे स्किन टोन से मैचिंग है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ली है, आप देख सकते हो। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, ब्लेंडिंग में टाइम लगता है गाइस, तो इसके लिए ब्लेंडिंग में पूरा टाइम दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ब्लू हेवन का बर्ली कॉम्पैक्ट। इसको मैं वही डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही लेकर अप्लाई कर लूँगी, आप देख सकते हो, ताकि हमारा क्रीज लाइन एकदम अच्छे तरीके से सेट हो जाए, क्योंकि क्रीज लाइन पे ही ज़्यादातर क्रीज पड़ते हैं, केक वहीं पे सबसे ज़्यादा लगता है हम लोग का। तो मैं पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद एक फ्लफी ब्रश से अच्छे तरीके से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कहीं से भी कोई भी हार्श लाइन या फिर केकी पैची ना दिखे, ब्लेंडेबल दिखे। उसके बाद मैंने आप लिया है ब्लू हेवन का ब्लश, डायमंड ब्लश। इसमें मेरा शेड जो है पता नहीं कौन सा, मुझे देखना पड़ेगा, बट जो भी शेड है ब्लश की तरह तो नहीं है। इसके लिए मैंने इसको एज ए ब्रॉन्जर की तरह यूज़ करती हूँ, आई थिंक 04 है। तो इससे मैं अपने फेस को पूरे अच्छी तरीके से ब्रॉन्जर कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जर के लिए आपको अलग से ब्रॉन्जर खरीदने की ज़रूरत है। आप ब्लश शीट को भी डार्क शेड ले सकते हो एंड कॉम्पैक्ट का भी डार्क शेड लेकर उसको एज अ ये ब्रॉन्जर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पूरे फेस को अच्छी तरीके से ब्रॉन्जर कर लिया, आप देख सकते हैं ब्रॉन्जर करने के बाद फेस कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है गाइस। तो ब्रॉन्जर ज़रूर करें अपने फेस को। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ SFR का आई फेस पैलेट, उसमें से ब्लश शेड लेके ब्लश अप्लाई कर लूँगी, आप देख सकते हो। अच्छा लगता है ब्लश, ब्रॉन्जर एंड हाईलाइटर।
इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर उसी पैलेट में से। अगर आप बिगनर्स हैं ना तो ऐसा ही कोई पैलेट ले। अभी मैं भी बिगनर्स ही हूँ गाइस, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, फिर वही आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या कैसे होता है। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी हम लोग नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं वैसा ही सोचती हूँ कि ऐसा कोई पैलेट लो जिसपे हर शेड आपको अवेलेबल मिले। उस बाद मैंने यहाँ पर लिया है हुडा ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे, इससे पूरे फेस को शेड कर लेंगे। उसके बाद अपने आईब्रोज को फिल कर लेंगे। आईब्रोज फिल करने के लिए आप कोई भी आईब्रो पेंसिल ले सकते हो, मैंने अपना शॉर्ट वीडियो डाला था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वह चेक जरूर करिएगा, बिगनर्स टीनेजर्स का एसेंशियल प्रोडक्ट। एक आईब्रो पेंसिल आपके पास होना चाहिए, डार्क ब्राउन कलर का, जिस कलर का आपकी आईब्रोज है उस कलर का होना चाहिए, और उससे तो अच्छी तरीके से आप फिल कर लीजिए। एंड आईब्रो पेंसिल कोई भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई ही लेना पड़ेगा, नॉर्मल भी आप ले सकते हैं। ये तो मेरा 35 का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड उसी ब्लश को लेके मैं अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लूँगी, आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन सेट की तरह। बहुत ही सिंपल सा मैं आई मेकअप करूँगी गाइस, आप बस देखते जाओ, बहुत ही ईजी है। इसको मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी अपने क्रीज लाइन पे। ये शेड बहुत अच्छा निकला, वैसे ब्लश की तरह तो नहीं निकला, बट फिर भी जो भी शेड है बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या है, काफ़ी मल्टीपर्पज़ काम आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से ये रेड शेड ले रही हूँ, ये रेड सिमर शेड, इसको मैं अपने आउटर वी पे थोड़ा थोड़ा प्लेस करूँगी, ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगी नॉर्मली। तो फिर ब्रश से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, बस आप देखते जाओ, आपको देखोगे अच्छे तरीके से तभी आप समझ पाओगे कि क्या है कैसे है। एक साथ बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें, आप देख सकते हो मैंने बस अभी वहाँ पे अप्लाई किया है। उसके बाद मैं यहाँ से ये हाइलाइटर ले रही हूँ, पिंक शेड में है ये हाइलाइटर, इसको मैं अपने आउटर वी पे आउटर वी से लेके हाफ आईलिड तक अप्लाई कर लूँगी, जहाँ तक मैंने रेड अप्लाई किया था उसके पहले, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर ब्रश लेके अच्छे तरीके से ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। आप देख सकते हो ब्लेंड करने के बाद सब एक जैसा हो गया, कहीं से भी हार्श लाइन नहीं दिख रहा है। उस टाइम जब मैंने फिंगर से अप्लाई किया तो उस टाइम थोड़ा सा हार्श लाइन लग रहा था, फिर उसी को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी जो ट्रांजेक्शन शेड के लिए यूज़ किया था। फिर अब हाईलाइटर अप्लाई कर लूँगी, हाईलाइटर यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई हो गया था इसलिए नीचे का क्या ना थोड़ा हाईलाइट हो गया था, तो उसको पता नहीं चल रहा है। फिर यहाँ मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का काजल, ये काजल बिल्कुल अच्छा नहीं है, अप्लाई ही नहीं होता ये काजल बिल्कुल भी। मैं किसी वीडियो में आपको इसका रिव्यू भी शेयर कर दूँगी। फिर मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ही आईलाइनर ले रही हूँ, आईलाइनर ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लू हेवन का, बट वो जो वॉक फ्री काजल है ना पता नहीं क्यों ना अप्लाई होता ही नहीं है, जेड ब्लैक बट वो अप्लाई ही नहीं होता है। मैंने 80 रुपीज़ का मैंने लिया भी था, ऑफर में कम प्राइस में लिया था बट फिर भी। तो चलिए अब मैं अप्लाई कर लूँगी मस्कारा, मस्कारा से तो हमारा आई मेकअप कम्प्लीट हो रहा है। मैं यहाँ फॉल्सेस अप्लाई नहीं कर रही, मैं फॉल्सेस ज़्यादातर सोचती हूँ अवॉइड करूँ, क्योंकि रियल लाइफ में मुझे इतना ज़्यादा फॉल्सेस अप्लाई करते नहीं है, बट वीडियो में अच्छा लगता है, बट आई डोंट नो मुझे फॉल्सेस अप्लाई करना अच्छा ही लगता। मैं जब भी अप्लाई करती हूँ तो मेरे ये आई क्या बोलते हैं लैसेस बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो मैंने अप्लाई कर लिया, मैंने मैट लुक का लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर लिपस्टिक अप्लाई करी, लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ब्लू हेवन का एलिगेंस मैट लिक्विड लिपस्टिक, इसमें मेरा शेड है 011 न्यूड शेड है प्रॉपर। यहाँ आप रेड शेड भी अप्लाई कर सकते थे बट मैंने यहाँ पर न्यूड शेड लिया है। तो चलो अब मेरा फाइनल लुक देख लो, थोड़ा सा मैं हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने लिपस्टिक पर, आप देख सकते हो कितना चेंज लग रहा है। यही था मेरा आज का वीडियो, मतलब यही था मेरा आज का मेकअप लुक। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो आपको पता है क्या करना है, पता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर करेगा, कमेंट करके बताएगा कि ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो
तो प्लीज़ गाइस फॉलो कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।